हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूँ अभी घर पे, गाय खा रही है चारा। और धूरा मिट्टी में मैंने रख दिया है टोकरी में फेंकने के लिए। और एक गाय का गोबर है, इसको भी फेंकना है। अभी सफाई कर रही है मम्मी, यहीं पे गाय सोती है रात को, और वहाँ पे उसको आग जला देते हैं ताकि गर्म रहे, क्योंकि ठंडी का सीजन आ गया है। देखो अभी भी इसमें आग है। अभी ये भी जलेगा तो धुआं निकल रहा है धीरे धीरे। देखिए गोबर, अभी समय हो गया है गाय का दूध निकालने का, तो मैं ले लिया हूँ टुकड़ा। इससे जो माछी बैठती है, मक्खी बैठती है उसके शरीर पे, उसको हटाने के लिए, हाँकने के लिए। तो अब देखो धुआं भी होने लगा है काफी। तो ये रही गाय, और इसको ऐसे मक्खी हटाना पड़ता है इसके शरीर पर से, ताकि आराम से दूध निकलवा ले, परेशान ना करे। और इसके पैर में भी रस्सी लगाना पड़ता है कि पैर से मार ना दे। धुआं काफी हो गया यार, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे खड़े होने से। निकाल दिया मैंने, इतना दूध हो गया, 1 लीटर जितना हो गया, 1 लीटर 1.25 लीटर जितना। अभी और देगी थोड़ा, आधा लीटर 1.25 लीटर जितना और देगी। यार धुआं ये काफी परेशान कर रहा है यार, आँख में ही लग रहा है, धुएं का झाग आँख में लग रहा है। गांव में इसको जलाना पड़ता है, धुआं करना पड़ता है गांव में, क्योंकि मच्छर भगाने के लिए, कि मच्छर कम लगे। तो गांव में ऐसे हर घर में जहाँ पे देखो गाय भैंस रहते हैं वहाँ पे धुआं जरूर जला के रखते हैं, धुआं निकालते हैं कि मच्छर और मक्खी यहाँ पे कम आए। गांव में इसी का सहारा लेते हैं। इतना दूध हो गया है, अब इसको खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में। तो दूध निकाल ली पूरा, अब गाय आराम से खा रही है।